लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऐरावली में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए नाट्यगृह का सपना जल्द साकार होने वाला है। आज स्थानीय बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में नए नाट्यगृह के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। सिडको भूखंड पर प्रस्तावित इस नाट्यगृह के निर्माण में 70 करोड़ की अनुमानित लागत आने वाली है। आज इसके शीघ्र निर्माण के लिए 25 लाख की विधायक निधि की घोषणा करते हुए गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि ऐरावली नाट्यगृह के साकार होने से कला प्रेमियों और कलाकारों दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। ऐरावली में बहुप्रतीक्षित नाट्यगृह का सपना अब जल्द साकार होने वाला है। आज लोक नेता गणेश नाइक ने ऐरावली सेक्टर 16 में प्रस्तावित नाट्यगृह के निर्माण का शुभारंभ कर दिया। यहां पूर्व विधायक संदीप नाइक, वरिष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जहां गणेश नाइक ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इस नाट्यगृह के निर्माण पर कुल 70 करोड़ की अनुमानित लागत खर्च होने वाली है। आज गणेश नाइक ने इसके शीघ्र निर्माण के लिए 25 लाख की विधायक निधि देने की भी घोषणा की। बताना जरूरी है कि इससे पहले पूर्व विधायक संदीप नाइक भी इसके लिए 30 लाख की विधायक निधि प्रदान कर चुके हैं। आज इसके निर्माण कार्यों का शुभारंभ करते हुए विधायक गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि ऐरावली में नाट्यगृह साकार होने से जहाँ स्थानीय कला प्रेमियों और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं कला संस्कृति और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी व्यास पीठ उपलब्ध होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब नाट्यगृह के अभाव में स्थानीय लोगों को वासी या थाने नहीं जाना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जो नाट्यगृह का ये बहुत पुरानी समस्या है, नई मुंबई शहर में भावेट थिएटर बन गया। यदि इस ऐरोली और दीघा और घनसोली से लोगों को जाना होता है ड्रामा देखने को, तो थाना गडकर रंगा मुलुंड में जाना पड़ता है। ये बहुत सारे जनता की मांग थी और ये संदीप नाइक के माध्यम से ऐरोली के प्रथम विधायक, इन्होंने सिडको से प्लॉट महापालिका को देने के लिए पूरा अपनी प्रयत्निक पराकाष्ठा की और मिलने के बाद में महापालिका को ये प्लॉट दिया गया। एक 8,500 मीटर तक का है, 5,000 मीटर का नाट्यगृह है और 3,000 का कार पार्किंग है, डबल उसमें डेकर पार्किंग रहेगी। 70 करोड़ रुपए का एक ड्रामा थिएटर बनने वाला है, इसमें 860 तक लोगों की कैपेसिटी बनने वाली है। बता दें कि मुंबई के वाशी में विष्णुदास भावे नाट्यगृह पहले से ही संचालित है। इसका निर्माण सिडको ने कराया था, जो अब मनपा के अधीन कार्यरत है। वाशी की तर्ज पर ऐरावली में यह नाट्यगृह बनाने की मांग थी, जिसे साकार करने की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।